न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 12 साल के बच्चे को पिकअप ने रौंदा, नियमों की उड़ रही धज्जिया। बंद एटीएम सेंटर से बढ़ा सिर दर्द। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सड़क हादसे में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। वो बकरी लेने रोड से उस पार जा रहा था, इतने में एक तेज रफ्तार पिकअप उसे रौंदते हुए वहां से भाग निकली। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा फरसाबहार थाना के मुंडा डीहा गांव में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह मुंडा डीह निवासी कर्णराम नाना भिखनू के साथ बकरी चराने गांव में गया था। वो अपने नाना के साथ बकरी चरा रहा था, इसी दौरान बकरी रोड के उस पार चली गई। कर्ण उसी बकरी को लेने के लिए रोड के उस पार जा रहा था, इतने में पीछे से आई पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया। ये सड़क मुंडा डीहा के अंकीरा की तरफ जाती है, इसी रास्ते में ये हादसा हुआ है। पिकअप काफी स्पीड में थी। बच्चे को चपेट में लेने के बाद पिकअप ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर भाग निकला। घटना स्थल पर ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगली खबर। वर्तमान में तहसील ग्रामीण क्षेत्रों में सरेआम कोरोना संक्रमण कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। एक ओर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा के रात के समय कर्फ्यू तो दिन में जमावबंदी कानून लागू किया गया है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में कोई असर यहां नहीं दिख रहा है। जिस क्षेत्रों में चुनाव है वहां सैकड़ों लोग की उपस्थिति में रैली एवं सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निजी बैंक की तरह ग्राहकों को तत्पर सेवा देने के मद्देनजर एटीएम से सुविधाएं उपलब्ध किए हैं। वहीं उनकी यह सेवा खाता धारकों के लिए फिलहाल सिरदर्द साबित होती जा रही है। अनेक एटीएम सेंटर बंद रहने से नागरिकों को भटकना पड़ रहा है। वहीं कुछ एटीएम सेंटर में कैश की कमी बनी रहती है। इस ओर बैंक प्रबंधक से गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की मांग खाता धारकों ने की है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।